किसी रिपोर्टर ने किसी इंटरव्यू के दौरान दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट उसेन बोल्ट से पूछता है कि आपको सक्सेस रातों रात मिल गई, आप रातों रात कामयाब हो गए, और यकीन मानो उस बंदे के जवाब से सारे रिपोर्टर हिल गए, बिकॉज उस बंदे का जवाब था, हाँ ये रात बहुत लंबी थी, ये रात बहुत सालों की थी। ऐसा सबके साथ होता है, दुनिया में हर किसी के साथ होता है। जब दुनिया आपकी सक्सेस तो देख लेती है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे छिपे हार्ड वर्क, हार्ड डेडिकेशन को नहीं देख पाती है आपकी मेहनत, आपके पसीने को। बिकॉज 2004 में यही बंदा था जब 200 मीटर की रेस को क्वालिफाई नहीं कर पाता। इसके कोच तक ने कह दिया था, बेटा तुम 100 मीटर रेस के लिए बने ही नहीं हो, तुम 100 मीटर रेस कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तुमसे ना हो पाएगा। और यकीन मानो ऐसी सिचुएशन में ये बंदा हार मानने की बजाय अपनी मेहनत अपने आप पर फोकस करता है अपने ड्रीम पर, और इतनी मेहनत करता है कि कुछ सालों बाद उन लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है जिन लोगों ने कहा था बेटा तुमसे ना हो पाए, तुम नहीं कर पाओगे। क्योंकि बोल्ट ने खुद को साबित करके दिखाया कि दुनिया में हर मुकाम को हासिल किया जा सकता है अगर बंदे में जुनून है कुछ करके दिखाने का। उसने खुद को साबित करके दिखाया कि वो 100 मीटर रेस के लिए ही बना है, और 100 मीटर रेस उसी के लिए ही बनी है, वही 100 मीटर रेस का बादशाह है। ये दुनिया शुरुआत में किसी पर भी यकीन नहीं करती, और ना ही इसे किसी पर यकीन होता है। इसे यकीन तो तब होता है जब सामने वाला बंदा इसका गुरूर तोड़ रहा होता है, जब तोड़ रहा होता उनके इरादों को, जो कहते थे बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम ना कर पाओगे। बहुत सक्सेस रातों रात नहीं मिलती, और ना ही कोई बंदा रातों रात कामयाब होता है। कामयाबी की पिछली हर रात बेहद दर्दनाक होती है। कई लोग टूट जाते हैं अपनी एक हार, अपने एक दर्द से, और कई लोग दोबारा उठ खड़े होते हैं अपने उस एक सपने के लिए, उसी एक जज्बात, उसी एक इंटेंट के साथ, जो उन्हें किसी भी कीमत पर हारने नहीं देता। क्योंकि सक्सेस वक्त मांगती है, सक्सेस मेहनत मांगती है, सक्सेस तुम्हारा डेडिकेशन मांगेगी, तुम्हारा जुनून, तुम्हारी जिद मांगेगी, जिसमें उबाल हो ऐसा खून मांगेगी। बिकॉज हार कर बिखर जाने के लिए सिर्फ एक बहाना काफी है, लेकिन जान लगाकर लड़ जाने के लिए एक मकसद काफी है। एक ऐसा मकसद होना चाहिए जो इरादों में जीत की गूंज भर दे, जो गूंज भर दे सपनों में। तो फिर क्यों करते हो परवाह उनकी जो आज तुम्हें देते हैं ताना? अरे मेहनत करो इतनी कि कल खुद व खुद सिर झुक जाए इनका, जब आए तुम्हारा जमाना। इस दुनिया में लाखों लोग हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो, तुम्हारे सपनों के साथ खड़ा हो। बस जरूरी इतना है कि हर हालात में अपने सपनों के साथ खड़े रहो अपने लिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई आपको आपके ड्रीम के लिए मोटिवेट करे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो या बात करनी है तो मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पर।